हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10 साइंस है, साइंस में जो आप लोगों का फिजिक्स होता है, ठीक है, फिजिक्स से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जो आपके पूरे बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल हैं, उन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो आपके दर्पण से हों या लेंस से हों या आपके विद्युत से हो या विद्युत परिपथ, कुछ परिपथ टाइप का बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, ये हमारा एक परिपथ है, एक परिपथ है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में बना रहेगा। हमें ये चार चीजें ज्ञात करना होगा, ए बी के मध्य प्रतिरोध एंड परिपथ में धारा एंड ए वी के मध्य विभवांतर, और आपका यहाँ भी हमें प्रतिरोध लिखना भी है, तो आपके साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड पेपर में 100% आएगा ही। और ये हमारा पूरे बुक का एक स्पेशल वीडियो है, मतलब सारे न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पहले लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा दर्पण से रहेगा, मतलब दर्पण में, वो भी हमारा उत्तल दर्पण से, ठीक है। उत्तल और अवतल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है न्यूमेरिकल में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ठीक है, केवल चिन्ह पर पार्टी का। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब, बिंब को हम लोग वस्तु कहते हैं, ठीक है, वस्तु यानी कि बिंब, यानी कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है, प्रकृति भी ज्ञात करना है, साइज भी ज्ञात करना है। अब कहोगे सर, इतनी सारी चीजों को हम कैसे ज्ञात करें? तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप तुरंत इन सबको लगा सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको दर्पण का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, आज के बाद नहीं भूलोगे, ठीक है। तो हल सबसे पहले हम लोग समझेंगे। हल देखो, सबसे पहले जो चीजें आपको दे रखी हैं उसको लिख लो कि 5 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं। और यहां जो हमारा वक्रता त्रिज्या है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वस्तु की लंबाई यानी कि वस्तु की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम वस्तु को ही लिखते हैं यू। यू हमारा -20 सेंटीमीटर है, कितना है, -20 सेंटीमीटर। अब माइनस में मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये जो चिन्ह परपाटी के अकॉर्डिंग ये हमारा माइनस में होगा, क्योंकि जिस दिशा में ये मतलब रहती है, मतलब जिस ऐसे जाती है पट्टी, उल्टा रहता है, ठीक है, चिन्ह परपाटी आपको पता होना चाहिए। तो U जो होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा। R यानी कि वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। एंड वस्तु की लंबाई हमारा 5 सेंटीमीटर, तो H1 को हम लोग वस्तु की लंबाई कहते हैं, H2 को हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं, 5 सेंटीमीटर है ना। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब हम लोग जो R है, वक्रता त्रिज्या F बराबर R/2 का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, और हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, फोकस दूरी, क्योंकि हमें फोकस दूरी का काम है, तो हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 30/2 इक्वल टू हमारा 15 सेंटीमीटर, ये हमें मिला F, यानी कि हमारा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर मिलेगा। तो अब हम लोग लगाते हैं दर्पण का सूत्र, ठीक है, यानी कि सूत्र हमारा उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, ठीक है। तो वो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या के लिए कर देना, ठीक है, या फिर अवतल दर्पण हो, ठीक है, दोनों में सूत्र जो है वो सेम है, इसलिए आप यही भी लिख सकते हो कि दर्पण का सूत्र। तो ये हमारा जो सूत्र होगा वो होगा 1/F, जो होता है वो बराबर होता है 1/V एंड +1/U, ये हो गया सूत्र। अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो वो लेंस का सूत्र हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग वैल्यू सारा रख देते हैं, F की जो वैल्यू है वो 1/ यानी कि 15 है, तो 15 रख दो। V की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, U की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ प्लस और वो माइनस, माइनस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/V जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो हमारा 1/15 है, अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/20, ये हो गया। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, अगर हमें V की वैल्यू याद करनी है तो सबसे पहले आप 20 और 50 का एलसीएम, 15 का एलसीएम होगा 60। अब देखो आपका 15 4 जा 60 एंड 20 3 जा
हमारा 60, तो ये हमारा हो जाएगा 7, यानी कि 1 upon v equal to 7 upon 60. तो फिर हम इसे जब कट करेंगे, पहले आप इसको क्या करो ना कि उल्टा है तो इसको सीधा कर लो, क्यों? क्योंकि v आपका नीचे है तो दोनों पक्षों को आप क्या करो, ऊपर कर लो। जैसे हमारा v है तो v को हम ऊपर करेंगे, ठीक है, इधर समझना, v को हम लोग ऊपर कर दिए तो ये आपका 60 जो है ये भी ऊपर हो जाएगा और बट्टे में हमारा 7 हो जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो फिर अब हम यहां से v की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे भाई, v की वैल्यू आप 60 में 7 से भाग दोगे तो 8.57 सेंटीमीटर हमें v की वैल्यू मिलेगी। तो हमें प्रतिबिंब का जो वैल्यू है वो मिल गया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, पीछे क्यों रहेगा, कि ये प्लस में वैल्यू है इसलिए पीछे रहेगा, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे, अतः जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूर बनेगा, लिख दे या लिख लोगे, चलो लिख देते। देखो अतः जो हमारा प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर प्लस में है ना तो ये ध्यान रखना कि हमारा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण की ओर जो बनता है वो हमारा क्या होता है, माइनस में होता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितने सेंटीमीटर पर बना है, 8.57 सेंटीमीटर ये दूर बनेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा दर्पण के लिए और इसका जो हमें v की वैल्यू प्रतिबिंब की, बट अभी हमें लंबाई भी दे रखा है, लंबाई का मतलब यहाँ एक सूत्र और फॉलो होगा, वो है रेखीय आवर्धन का, h1 की वैल्यू दे रखी है। अगर हमें साइज ज्ञात करनी है, यानी कि h2 की वैल्यू, कि भाई हमारा जो प्रतिबिंब है वो कितना लंबा है, ये तो हमें दूर ही मिला कि जैसे हम कितनी दूर है, ठीक है, जैसे हम हैं यहाँ और कोई वस्तु है तो वो कितनी दूर है, ठीक है, तो वो दूरी है और कितना लंबा है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये चीज़ ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी आपको परेशानी होगी अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो, अगर फार्मूला आता है तो यार बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। m जो होता है रेखीय आवर्धन वो बराबर होता है h2 अपान h1। अब कहोगे सर h2 अपान h1 यानी कि ये नए नए कलाकार कहाँ से आ गए। देखो h1 जो है वो हमारी क्या है, मैंने पहले से ही लिख रखा है कि ये जो वस्तु की लंबाई है, और h2 क्या है, वो प्रतिबिंब की लंबाई है, बहुत आसान है। अब देखो माइनस वी अपान यू, अब माइनस वी यू तो आपको पता ही है क्योंकि ये हमारे पुराने सदस्य हैं। तो अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे, देखो H2 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, H1 की वैल्यू हमें दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और बटे में हमारा V कितना है, अभी आपने ज्ञात किया है 8.57, कि ये माइनस में 8.57 सेंटीमीटर, बटे यू की वैल्यू में कितना है, -20 सेंटीमीटर, तो -20, ठीक है, माइनस से माइनस को खत्म कर दो। तो अब क्या होगा, यहां से आपका H2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा कितना, 8.57 इंटू 5 अपॉन 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये हमारा कितना आएगा, अब यहाँ 4 1 जा 4, और इसको जब आप लोग कट करोगे ना तो ये आप लोगों का 4 का लगभग दो गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.425 सेंटीमीटर। ये हमें मिला भैया क्या, वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल है, आपके लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में तो आएगा ही 4 नंबर में, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में आया है, तो याद रखना भैया कि अगर प्लस में आया है तो आभासी बनेगा, क्यों, क्योंकि आभासी इसलिए बनेगा क्योंकि ये प्लस में है, और सीधा बनेगा क्योंकि उल्टा जो होते हैं वो हमेशा माइनस में होते हैं, तो इसलिए आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा वो तो आपके सामने है, कितना 2.425 सेंटीमीटर ऊंचा या फिर लंबा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल खत्म। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, सबसे पहले आपको देखो फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद जो मेन है वो है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन आपका कितना तेज है वो तो आप लोगों की पढ़ाई पर ही पता लगेगा, कितना आपने पढ़ा है अच्छे से वो आप लोगों को पता होगा। अगर कैलकुलेशन तेज नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत कर लो और उसको तेज करो, कैलकुलेटर मोबाइल इन सब का प्रयोग मत करना वरना बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुके हैं भैया 2014 में, 16 में, 18 में, 20 में, और अब की बार भी आएंगे,
क्योंकि इनका लहरा काफी तेज है। देखो सबसे पहले ये समझो कि ये है क्या, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत आसान लगेगा, ओनली टू लाइन का न्यूमेरिकल है, इसे हम लोग कहते हैं टू लाइन न्यूमेरिकल। देखो वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है, उस द्रव का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि उस द्रव का सॉरी अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण तो हमें दे ही रखा है, तो हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक है या फिर क्रांतिक कोण का फार्मूला, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिखो कि आप लोग इसको हल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमें अभी आगे इसका काम लगेगा। तो वायु के सापेक्ष हमें द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है ना, तो द्रव का अपवर्तनांक ये जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है 1/sin c। अब 1/sin c, अब यहां कहोगे सर साइन सी क्या है, साइन सी जो है वो क्रांतिक कोण है यार, क्रांतिक कोण, ठीक है, तो सी जो है वो क्रांतिक कोण है, तो अब वैल्यू रख दो, जब क्रांतिक कोण की वैल्यू दे ही रखा है तो वैल्यू डायरेक्टली रख दो 1/sin c। सी क्रांतिक कोण कितना देख रहा था, 45 डिग्री। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है और खुद 4 अक्षर का है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होता है। अब ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और बराबर हो जाएगा √2/1। 1 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, क्योंकि हर में 1 की वैल्यू नहीं होती, और यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमें √2 मिलेगा क्या आंसर, बस हो गया। तो ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हो, इतनी बार आया है, तो इसलिए ध्यान से समझना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखो, समझ कर ही जाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो सब कुछ समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 3rd नंबर न्यूमेरिकल। इसके बाद जो 2 न्यूमेरिकल है ना, 4 और 5, वो इतने हार्ड है ना कि खुद में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि वो लॉन्ग में आते हैं और वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया भी हुआ है, तो ध्यान से देखना। 4 और 5 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके ही जाना है। जैसे ये 4 नंबर न्यूमेरिकल देखो, ये इतना ज्यादा हार्ड है, आपको 2 पेज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 चीजें ज्ञात करनी है, हमें एक एक चीज ज्ञात करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ हमें 4 चीजें ज्ञात करनी है, तो आसान तरीके से बताएंगे, हमेशा याद रखोगे कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगेगा। बट सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इनका पारी पहले है। लिखा हुआ एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट एंड हमारा 200 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। यहां हमें R ज्ञात करना है, प्रतिरोध और धारा भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि यहां दे क्या रखा है हल में। देखो हल करने से पहले आप ये देखो हमें क्या क्या दे रखा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में फार्मूला आएगा, अगर आपने फार्मूला पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है फार्मूला तो आपके माइंड में एक ऐसा फार्मूला बनेगा कि यार ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा वैल्यू आ ही जाएगा। जैसे V हमारा क्या दे रखा है, V हमारा 250 V यानी कि वोल्ट दे रखा है, ठीक। एंड हमें वाट भी दे रखा है, यानी कि पावर हमें कितना दे रखा है, 200 वाट। ये 2 चीजें दे रखी हैं। अब इन 2 चीजों से मिलकर कोई फार्मूला आपके माइंड में आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, सर अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो हमें प्रतिरोध पता चल जाएगा, तो लगा दो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, जितना दम है उतना लगा दो, नहीं आएगा तो लाएंगे जरूर। देखो प्रतिरोध जो है उसको R से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए आप एक फार्मूला आपके माइंड में आएगा V² / P। जब आपने पावर, यानी कि जब आप पावर के बारे में पढ़ रहे होंगे, शक्ति के बारे में, तो आपको ये फार्मूला जरूर मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो उसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो मिला जरूर होगा। अब देखो वी की वैल्यू हमारी कितनी है, वी की वैल्यू 250 है। अब 250 हम 2 बार रखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो 250 × 250 और बटे में हमारा है P, यानी कि P, तो P का मतलब हमारा 200 वाट, ठीक है। अब देखो
यहां से एक शून्य से एक शून्य जाएंगे, दूसरे शून्य से दूसरे शून्य। अब हमें मिलेगा कितना, मिलेगा कितना 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 से 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 625 आएगा और 2 से आप उसको कट कर दोगे। ठीक है, जैसे आप 25 का 25 से करें 625 आया और बटे में 2 है, 2 से कट कर दिया तो ये हमें मिलेगा। देखो अब 600 का हमारा 300 हो जाएगा और 12 का 12.5 हो जाएगा, यानी कि 312.5। तो ये हमारा मिल गया भैया आर। आर का मतलब है राव साहब, राव साहब का मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध हमें मिल गया यार इतना। अब कहोगे सर प्रतिरोध तो ज्ञात कर दिया, धारा कौन ज्ञात करेगा, जब प्रतिरोध आ गए तो धारा भी आ जाएंगे। ठीक है, जब आप लोग यहां समझो, यहां आपका क्या है कि बल्ब में अधिकतम धारा, ठीक है, बल्ब में अधिकतम अधिकतम धारा, तो जब आपने प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया, ठीक है, जब आपने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया तो ओम का नियम आपको पता है, V बराबर IR और I बराबर B अपान R। हम प्रतिरोध ज्ञात कर, सॉरी धारा ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया। धारा ज्ञात करने के लिए I बराबर V अपान R। अब I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 250 है ना, चलो, एंड R की वैल्यू 312.5। अब इसको कैसे भाग दोगे, भाग देने का कुछ नहीं है, यहां से आप I की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहां से दशमलव हटाना, यहां जीरो बढ़ाना, भाग दे देना, आ जाएगा आंसर क्या, 0.8 एम्पीयर। ये हमारा हो गया लवली सा आंसर। और हमें यहां से धारा मिला 0.8 एम्पीयर और प्रतिरोध मिला 312.5 ओम। ठीक है, ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब हम लोग चौथा न्यूमेरिकल देखेंगे और ये न्यूमेरिकल आप समझ के जाना, वरना 7 नंबर छोड़ दोगे और कहोगे सर छूट गया। छूटना नहीं चाहिए एक भी नंबर, ये कहोगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया हुआ है, तो चलो हम लोग देखते हैं कितनी बार आया है। 2014 में ये क्वेश्चन आया है, 2015 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2020 में भी आया है और 2024 में भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो क्या है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, ये हमारा एक परिपथ है, हम प्रतिरोध पहले लिख देते हैं वरना हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ये हमारा 4 ओम है और ये हमारा 2 ओम है। ठीक है, तो 2 ओम 4 ओम, अभी ये आपका 2 ओम है। देखो ये जो होता है ना, मतलब ऐसे ढाल, मतलब ऊंचा नीचा, ये प्रतिरोध है, किसी के मार्ग में किसी के रास्ते में आएंगे ना तो ये अवरोध उत्पन्न कर देंगे। अवरोध का मतलब है कि रुकावट, जैसे रोड पर जाते हो और ऐसे ब्रेकर बना रहता है ना, ब्रेकर, वही प्रतिरोध है भाई। और ये हमारा 3 ओम है। अब देखो यहाँ जो V की वैल्यू है वो भैया 10 वोल्ट है। ठीक है, बस इतनी सारी चीजें, यहाँ हमारा ए बिंदु है, यहाँ हमारा वी बिंदु है, ये हमारा एक छोटा सा बढ़िया सा परिपथ बन गया। परिपथ का मतलब इसमें धारा भी तो जानी चाहिए, वरना खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा यार। तो ऐसे धारा गई ए से और बी की ओर तो वापस आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य, इनको नहीं लेना है, इनको छोड़ दो और इन भैया को पकड़ो, ए और बी के मध्य प्रतिरोध। ठीक है, ए और बी के बिंदु के मध्य केवल प्रतिरोध। फिर हमें धारा आई, प्रतिरोध ज्ञात हो गया तो धारा ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जहां, मतलब देखो यहां, फिर अगला ए और बी के मध्य विभवांतर। अब अगर आपने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, धारा ज्ञात कर लिया, ठीक है, देखो प्रतिरोध और धारा ज्ञात कर लिया तो विभवांतर ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। एंड हमारा 3 ओम पर प्रतिरोध, फिर हमें यहाँ 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलो एक एक को पकड़ते हैं और सारे को लगाते हैं। पहला, हम पहला क्या ज्ञात करेंगे, ए और बी के मध्य प्रतिरोध। तो ए व वी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो हमारा कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। तो 1/R1, ये काफी बड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहां हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जो इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको हटाओ यार, ठीक है, हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये देखो श्रेणी क्रम, मतलब ऐसे जुड़े हैं ना। फिर
ये दोनों श्रेणी क्रम में है, मतलब श्रेणी क्रम का मतलब है ऐसे लाइन से, लाइन से, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, तो आप सबसे पहले क्या लिखना है कि जो हमारा सबसे पहले ए और बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखो ए और बी के बीच हमारा जो ये श्रेणी क्रम में है, एक तो 4 ओम और प्लस 2 ओम, ये 4 ओम 2 ओम, तो ये हमारा जुड़ के कितना हो गया 6 ओम, ये हमें मिला, मतलब दोनों का यहाँ बीच में सेंटर में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा हमारा 2 ओम और 1 ओम हमारा श्रेणी क्रम में है, तो वह हमारा 2 ओम प्लस 1 ओम, ये क्या है, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो ये हमें मिला 3 ओम। अब ये दोनों हमें मिले क्यों, क्योंकि ये दोनों हमें यहाँ, एक यहाँ वैल्यू मिला, एक यहाँ मिला, अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो पहले तो हम लोगों ने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। अब जो प्रतिरोध हमें मिला है वो समांतर क्रम में है, थोड़ा सा हार्ड है समझने में, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया, समांतर क्रम में है। अब देखो ये जो हमें एक यहां वैल्यू मिलेगी, एक यहां मिलेगी, तो ये दोनों समांतर क्रम में है, बस इतना ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये चीज लिखेंगे ए व वी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, क्या इसको नाम दे देते हैं R1 है। तब अब हम लोग यहां से तुल्य पूरा प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, कैसे, हाउ डू यू डू। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ 1/, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, तो इस टाइप से आपका फार्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो हमारा ये 6 ओम हमारा समांतर क्रम में है और ये हमारा 3 ओम समांतर क्रम में है, ये दोनों है भैया समांतर क्रम में। तो इसका जो 1/R1 जो होगा वो बराबर होगा, इसका एलसीएम जो होगा वो 6 होगा और 6 × 1 = 6, ठीक है, ये 6 ही होगा ना, एंड प्लस 2 × 3 = 6, तो 1/R1 बराबर हमारा 3/6, तो 1/2, और यहाँ से जो R1 मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 2 ओम, तो ये हमारा हो गया 2 ओम, ठीक है, यही हमें मिल गया माय डियर स्टूडेंट तुल्य प्रतिरोध। मतलब तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि हमने पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा यहाँ 4 ओम 2 ओम को, फिर सब श्रेणी क्रम दो चीज़ों को, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा, तब हमें मिला। ये पहला केस हो गया भैया सॉल्व, पहला केस हो गया सॉल्व। दूसरे में आओ, धारा, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, तो ये तो बहुत आसान है ना, इसको तो आप कर सकते हो, दूसरा कि नहीं कर सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ परिपथ में धारा आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो पूरे परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सारे प्रतिरोध को जोड़ा, हमें अभी ए और बी के मध्य हमने प्रतिरोध को निकाला है, अभी ये 3 प्रतिरोध हमारा बाकी है, तो यहाँ हमें ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, एक ये 3 प्रतिरोध और ये जो हमारा 2 ओम मिला है ये, तब हमारा जब कुल प्रतिरोध आएगा तब तो हम पूरे में धारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो जो परिपथ में जो हमें R1 मिला है तथा जो हमारा नीचे 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब कुल प्रतिरोध हमें मिलेगा, तब तुल्य प्रतिरोध, अब हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप R निकालना है तो बराबर, एक तो हमारा 2 ओम और एक 3 ओम, इक्वल टू हमारा R बराबर कुल आपका पूरे परिपथ में माय डियर स्टूडेंट जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 5 ओम होगा। A और B के मध्य तो 2 ओम है, लेकिन पूरे परिपथ में, देखो A और B के मध्य तो हमारा 2 ओम है, बट पूरे परिपथ में, ये पूरे परिपथ में हमारा 5 ओम का कुल प्रतिरोध होगा, ठीक है, इतना समझ में आया ना, ठीक है, आ गया ना। तो ये हमारा 5 ओम। अब हमें धारा ज्ञात करनी है दूसरे सीक्वेंस में, तो धारा तो बहुत आसान होगी अब ज्ञात करना, कैसे, I बराबर जो होता है धारा, दूसरा वाला हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना, तो I बराबर हमारा V/R होता है। अब कहोगे सर B कहाँ है इसमें वैल्यू, तो B तो यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है ना 10 ओम, तो ये 10 ओम का हमारा V वाला प्रतिरोध, यानी कि सॉरी विभवांतर 10, और तुल्य प्रतिरोध जो आया है वो कितना आया है 5 ओम ना, तो ये 5।
अब इसको आप भाग दोगे तो ये हमारा आई जो आएगा वो ओनली 2 एम्पियर आएगा बस। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया ना, आसान लगा कि हार्ड लगा? आसान है ना। दूसरा, तीसरा, ए और बी के मध्य विभवांतर, हमें ए और बी यानी कि इतना ही लेना है, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो ए और बी के मध्य अगर विभवांतर ज्ञात करना है, तीसरा केस हमारा ये है कि ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व वी के मध्य विभवांतर। तो ये भी बहुत आसान है भाई, वी बराबर आई आर, आई हमारा कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे यही आर रख देंगे। भाई ये तो हमारा पूरे परिपथ का है ना, हमें तो केवल ए और बी का लेना है। तो ए और बी के मध्य जो हमें प्रतिरोध मिला था वो 2 ओम का था, ये ध्यान रखना। अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, वी बराबर हमारा 4 वोल्ट आएगा बस। तो ये हो गया हमारा 4 वोल्ट भैया तीसरा केस। देखो चार केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में एक ना एक जरूर आएगा। 3 ओम पर हमें प्रतिरोध पर विभवांतर, 3 ओम पर, कुल पर नहीं ओनली 3 ओम पर, तो 3 ओम पर हमें ज्ञात करना है ना। तो फिर अब हमारा चौथा केस जो है वो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है विभवांतर। अब कहोगे सर विभवांतर कैसे ज्ञात करें, तो ये तो आसान है यार, वी बराबर आई आर, आई हमारा दे रखा है धारा 2 है, आर हमारा 3 है, वी बराबर 6 वोल्ट, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है हो गया ना, आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया भैया, चार के चारों चीजें हमने ज्ञात कर दिया, काफी आसान लगा होगा, क्योंकि अगर आप बहुत सारे, आपको लेक्चर इसी क्लास पर एक एक घंटे की मिल जाएगी, एक न्यूमेरिकल 1 घंटे, बहुत सारे ऐसे आपको चैनल मिल जाएंगे जो आपको पूरा पागल बना देंगे। ठीक है तो ऐसे आपको मैं सारा न्यूमेरिकल कम समय में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी नो, मुझे पता है। तो आप लोग मेहनत करो बट स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके का मतलब है कम समय में ज़्यादा तैयारी। ठीक है बहुत सारी आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे कि आप 1 घंटा 2 घंटा क्लास ले लोगे उनके साथ, बट क्या होगा आपका 1 टॉपिक या 2 टॉपिक क्लियर होगा। तो ऐसा नहीं करो यार, टाइम है पढ़ लो लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ो, कम समय में ज़्यादा तैयारी। ठीक है कम समय में जब अमीर बनोगे तब अच्छा रहता है, ज़्यादा समय में तो सब बन जाते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा, सॉरी चौथा। अब हम लोग पांचवा न्यूमेरिकल देखते हैं। पांचवें न्यूमेरिकल का आप लोग सबसे पहले यार फिगर समझो, फिगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम कैसे पहचानते हैं। भाई श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ऐसे 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 लग जाता है। ठीक है समांतर क्रम में प्रतिरोध इस टाइप से फिर ऊपर नीचे रहते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है पहले मैं यही समझा दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। अब आप लोग बता ही दो हमें कि यहां जो 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, कैसा है? तो ये जो है एक लाइन से लगे हुए हैं, जैसे स्कूल में लाइन लगती है ना वैसे लगे हुए हैं, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में है। अब जब देखो ध्यान से समझना, अगर आप इन सब का श्रेणी क्रम से प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो इन सब के बीच में कहीं हमारा आएगा एक प्रतिरोध न्यू वाला जो नया, तो ये दोनों हो जाते हैं समांतर क्रम में, एक ये और एक जो नया आएगा। ठीक है तो हमें कुल प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। तो अब हम करेंगे एक बहुत ही अच्छे से सॉल्व। देखो यहां हमारा हल में समझो, जो हमारा 2 ओम है, 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम, ये 3 प्रतिरोध ठीक है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ना, तुल्य प्रतिरोध। तो यहां से जो हमारा R होगा, R1 मान लो वो बराबर होगा, देखो R डैश इसको मान लो, R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने इस टाइप से इसलिए लिखा कि आपको आसान लगे। देखो अब इसी फार्मूले पे आप रख दो, पहला R डैश जो होगा वो बराबर होगा, ये R1 हमारा 2 ओम है, प्लस R2 3 ओम है, प्लस R3 4 ओम है। तो इन सबको जब आप जोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा कितना, 9 ओम मिल गया।
ये, बट अभी हमारा तुल्य प्रतिरोध नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो 9 ओम है ऊपर वाला, ये छूट गया है। तो ऊपर वाला 9 ओम और ये जो आपने नया प्रतिरोध ज्ञात किया है, ये दोनों हमारे समांतर क्रम में है। अब एक तो हमारा R1 जो ये है R डैश, तथा 9 ओम जो हमारा नीचे लगा, 9 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगे हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, खुद से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा पता चल जाएगा श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में। 1/R जो होगा वो बराबर होगा 1/9 + 1/9। समांतर क्रम का मतलब 1/9 में हो जाता है। तो यहाँ से 1/R जो होगा वो बराबर होगा इसका जो 9 हो जाएगा, और इसका हमारा 1/1 यानी 1+1। यहाँ से 1/R जो होगा वो 2/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, R बराबर 9/2 हो जाएगा, और यहाँ से 9/2 का मतलब है R जो होगा वो बराबर हो जाएगा 4/5 ओम। ये हमारा आ गया कुल प्रतिरोध। इसमें कुल प्रतिरोध इतना है बस। तो ये आज का हमारा न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, मतलब क्लास 10 साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक से एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और भी न्यूमेरिकल चाहिए जो आपको हार्ड लग रहा है, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।